हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। प्रणाम, हम अरविंद तिवारी। जितने भी हमारे दर्शक, हमारे बिहार, यूपी, हमारे भोजपुरी समाज, भोजपुरी देखने वाले सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आज आपके पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्राउड है यहाँ पे, क्या हो रहा है? तो हमारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है बाप जी। अगर सही कहा जाए तो इस फिल्म का नाम बाबू जी। आज के डेट में बेटे और बाप के बीच में जो रिश्ता खत्म हो रहा है ना, वो एक नासमझी के चलते हो रहा है। और उसी नासमझी को हम लोग दर्शा रहे हैं कि ये नासमझी इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई होता ही नहीं है। ये किसको देखने के लिए इतना क्राउड है? अरे, इसके स्टार खेसारी भाई हैं। अच्छा। और आपको तो मालूम है, एक भाई ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है और लाखों लोग उनके दीवाने और हम भी दीवाने हैं उनके। अच्छा, एक कहानी आप लिखे हैं तो कभी खेसारी से मिले भी यहाँ पे? अरे, खेसारी जी के साथ ये पहली पिक्चर छोड़े है मेरी। खेसारी जी के साथ तो मेरी पहली पिक्चर थी चरणों की सौगंध, वहाँ से शुरू किया। और खेसारी जी के साथ मेरी ये दसवीं पिक्चर है। और इसके पीछे वाली पिक्चर है, उसमें बहुत ज्यादा आती है पिक्चर, जिसको बोलते हैं हीरो नंबर वन है। उसके बाद बेताब है, उसके बाद जो जीता वही सिकंदर है, उसके बाद है साथिया, उसके बाद है तू मेरा हीरो। और भी सारी पिक्चरें हैं इनके साथ, और आने वाली पिक्चरें भी इनके साथ। कंटिन्यू 4 पिक्चर है जो इनके साथ मेरी आ रही है। अरविंद भाई, एक्चुअली आप खेसारी से मिले होंगे कई बार, कैसा दिखने में लगते हैं एक्चुअली, आदमी कैसे हो? अरे, बहुत अच्छा आदमी है भाई। मेरा भी घर छपरा ही है और उनका भी घर छपरा ही है। वैसा इंसान नहीं मिलेगा। हर गरीबों को साथ देता है, हर किसी को कोई भी तकलीफ हो खेसारी भाई सपोर्ट करते हैं। और लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और इंसान अच्छे नहीं है तो लोग थोड़ा ना प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, जमीन के जुड़े हुए आदमी है। आज भी वो बैठ के सतुआ खाते हैं, कहीं भी बैठ के सतुआ खा लेंगे। उनको ऐसा भगवान ने आज उनको सब दे दिया, लेकिन लगता नहीं है कि वो आज, मतलब घमंड नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अभी तक कितना फिल्म लिखे होंगे? अभी तक करीब 40 पिक्चर का हो गई भाई। जॉन पहली का सुपर हिट पिक्चर है मुन्नी भाई नौटंकी वाली। लेटेस्ट रिलीज भेल विवाह। ये बीच में रानी चटर्जी के पिक्चर, विनय आनंद जी के पिक्चर, पंकज केसरी जी के पिक्चर, खेसारी जी के पिक्चर, दिनेश जी के पिक्चर, चिंटू के पिक्चर, पवन जी के पिक्चर, शायद अब केहू बाकी नहीं है। सब चीज़ें पिक्चर लिख चुके बनी, और गाना भी बहुत लिख ले बनी, लेकिन पिक्चर ज़्यादा लिखे। कितना साल एक स्टोरी बनाने में कितना साल लग जाता होगा? भैया, स्टोरी तो भाई वन लाइन तो आदमी को झटके में समझ में आ जाती है कि हाँ ये वन लाइन है, लेकिन फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने में कम से कम 2 से 2.5 महीना लगता है। ये कम ही है इसके लिए, लेकिन इतना तो लग ही जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। एक स्क्रिप्ट से सबको संतुष्ट करना पड़ता है, हमारा हीरो, हमारा प्रोड्यूसर, हमारा समाज, जिसको हम समाज को क्या दे रहे हैं इससे, सबको संतुष्ट करना पड़ता है। सब ले दे के 2.5-3 महीना तो लग जाता है, मतलब 6 महीना में शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, वो सारी चीजें लगती है। बनाने में 8 महीना तो लगता है। फिल्म के हीरो खेसारी जी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? इस फिल्म के हीरो खेसारी जी हैं और इसके डायरेक्टर देव पांडे जी हैं, जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अरे, वो इतने अच्छे आदमी हैं कि आप लोग कहाँ बीच में खड़े हो? प्रोड्यूसर प्रेम जी हैं, और चलो इधर उधर, चलो उधर चलो, हीरोइन है रितु सिंह जी, और बाकी मनोज टाइगर भी हैं, वो अदाकार मनोज टाइगर जी, और प्रकाश जैन जी हैं, ये अपना अभय राय जी हैं, संजय जी हैं, संजय वर्मा जी हैं, और देखिए हमारे फिल्म का बाप जी का ये क्लैप है। डायरेक्शन में बहुत अजय है, और 2-4 लड़के हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें भी बुला लिया गया है। ठंडी तो काफ़ी है, लेकिन मज़ा उठा रहे हैं। पिक्चर का शूटिंग चल रही है, मेरा कुछ वर्क है उसमें आ गया। ये मेरा भाई असिस्टेंट है इसका, और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आज फिल्म जो शूटिंग होती है इनके ही बदौलत होती है, और यहाँ जितनी तैयारियाँ होती है इनके मेहनत से होती है, और बेचारे दिन भर भाग भागते शूटिंग करते हैं। अरविंद जी, खेसारी जी ने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, अभी जो बाप जी बन रहा है ये कितना सक्सेस होगा 2020 में? देखिए, ये जो मुद्दा है, अभी आजकल खेसारी जी बिना मुद्दे की कोई पिक्चर नहीं करते, कुछ समाज को सीख जाना चाहिए। और ये जो सीख है वो हर लड़के को लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पिक्चरें बन रही है उससे थोड़ा हटे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे अच्छे संख्या में लोग देखेंगे और वो लोग इस फिल्म को प्यार देंगे। मनोज टाइगर और खेसारी जी का इसमें आपने जो दिखाया है, कमाल है। दोनों कौन कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है? अरे सर, देखिए, मनोज टाइगर जी बाप बने और खेसारी जी बेटा बने हैं, तो बाप रहता ही है, बेटा ही रहेगा।
सकते हो। हालांकि दोनों आदमी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे अभिनेता है, लेकिन अब रोल बाप का है तो बाप को तो ऊपर रखा ही जाएगा और बेटा तो बाप के पीछे ही रहेगा। और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपकी है? अपकमिंग प्रोजेक्ट में भाई लाइनअप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नाम हर पिक्चर का भी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी दो पिक्चर खेसारी जी के साथ है और दो पिक्चर दिनेश जी के साथ है और एक पिक्चर पवन जी के साथ है। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे कि भैया आप लोग सिनेमा हॉल में नहीं आ रहे हैं, आइए और सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखिए। ये यूट्यूब पर देखने में मजा नहीं आता है और हम आप लोगों को बोलते हैं कि हम आप लोगों के लिए ही सिनेमा बनाते हैं। अच्छा, हीरोइन को चांस मिल सकता है? पीछे हीरोइन खड़ी है। हीरोइन खड़ी है? अरे तो हीरो है, हीरोइन नहीं है, तो हीरो है। चलिए भैया बाय बाय, मिलते हैं फिर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.